आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहे हैं, लोगों के खान पान और रहन सहन में परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि हर दूसरा व्यक्ति कब्ज की शिकायत को लेकर पहुंच रहा है। मरीज पेट में दर्द, बार बार वॉशरूम जाना और पेट साफ न होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कई मरीज कब्ज की दवाइयां खा रहे हैं। आगे जाने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुशांत ने लोकल 18 को इन समस्याओं से जुड़ी बातों को लेकर क्या बताया। अच्छी बात है कि कब्ज है या कुछ और, दरअसल कब्ज क्या होता है इसको बहुत आसानी से अगर हम समझ लें कि अगर लेटरिन रोज नहीं हो रही है या हो रही है तो बहुत सख्त हो रही है तो इसको हम बोलते हैं कि यह कब्ज है। लेकिन अगर लेटरिन रोज हो रही है, नॉर्मल सी हो रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि पेट में हल्कापन नहीं आया, हमको दोबारा जाना पड़ रहा है, उसे कब्ज नहीं समझना है। केवल लेटरिन जब हार्ड होती है और दिन में रोज ना होकर के कभी एक दिन छोड़ करके होती है, बस वही कब्ज है। लेकिन आज समस्या क्या है कि लोगों को कब्ज कम है पर कब्ज की दवाई बहुत बिक रही है। ठीक है, अब लोगों को दिक्कत क्या है कि लोगों का खाना पच नहीं रहा है, अजीर्ण हो रखा है। वो क्यों हो रखा है? आज की जीवन शैली है, रात का खाना लोग देर से खा रहे हैं। अगर हम 8:30 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, खाना को पचने का पूरा टाइम मिलता नहीं है और उसके बाद हम सो जा रहे हैं। रात का खाना लोग रिच खा रहे हैं, लोग पिज्ज़ा बर्गर भी खा रहे हैं या पनीर भी खा रहे हैं या रात को दाल भी खा रहे हैं। रात को दाल या प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, आज का विज्ञान भी बोलता है इस चीज़ को, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम ऐसे रिच डाइट लेंगे और रात को हम सो भी जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पाचन स्लो हो जाएगा तो इनको पचने में टाइम लगता है। तो सुबह जब पहली बार पेट साफ होता है तो वो होता है जो आपने दिन में खाया है, जो रात को देर से खाया है वो जब पचेगा तब आपको दोबारा से जाना पड़ेगा शौच के लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में पेट सेफ हो जाए, साफ हो जाए, तो रात का भोजन समय पर लें और हल्का लें। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम लोग इस समय अजीर्ण से पीड़ित हैं। अजीर्ण माने खाने का ना पचना, और उसका कारण यही है कि हम खाना रात का खाना रिच खा रहे हैं और देर से खा रहे हैं। बहुत आसान है समाधान, इसका दवाइयों से नहीं होता है, हमें अपनी हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा। शाम का खाना 8:30 बजे तक हर हालत में खा लें और हल्का खाना खाना है, हमें जो हैवी डाइट्स होती हैं उनको नहीं लेना है। अगर डाइट मेंटेन नहीं रही तो आगे जाकर ये मतलब कुछ और बदल सकता है, कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं और हम अगले जो आहार काल होगा सुबह का या दोपहर का, हम फिर से खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हमारी आदत हो गई है कि हम भूख के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, हम टाइम के हिसाब से खाना है कच्चा, तो फिर एक पेट हमारा जो आते हैं ऐसे दुष्चक्र में फंस जाती है कि फिर ये दिक्कत से निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है जब तक आप किसी चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। और इस आम दोष की पहचान बहुत आसान है, पर ये पहचान होती है केवल इंडियन स्टाइल टॉयलेट में ही होती है। जब आप वहाँ जाते हैं और आपका जो मल है वो स्टिकी होता है और उसको वॉश, उसको फ्लश करने में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, तो समझ लीजिए कि वो अगर वो चिपक रहा है टॉयलेट सीट में तो आपको आम दोष है। और ये है तो आपको डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ऐसी कंडीशन है और घर पर ही ठीक हो जाएगी या पेट साफ करने की दवाई से ठीक हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। एक दिन पेट साफ हो जाएगा, ठीक बात है, लेकिन एक कंडीशन ठीक नहीं होगी।